सितारों कहो क्या नबी ने मेरे रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया। कैसे भू जहल को आका आते नजर, कैसे भू जहल को आका आते नजर, पहरेदारों का पहरा था जब गार पर, पहरेदारों का पहरा था जब गार पर, कैसे भू जहल को आका आते नजर, कैसे वो जहल को आका आते नजर, पहरेदारों का पहरा था जब गार पर, पहरेदारों का पहरा था जब गार पर, आ गई एक मकड़ी मचलते हुए, आ गई एक मकड़ी मचलते हुए, और जाला बनाना शुरू कर दिया। आ गई एक मकड़ी मचलते हुए, आ गई एक मकड़ी मचलते हुए, और जाला बनाना शुरू कर दिया। आ गई एक मकड़ी मचलते हुए, और जाला बनाना शुरू कर दिया। ऐ सितारों कहो क्या नबी ने मेरे रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया। एक शेर और सुन ले, सुना ले कैसे सुना ले। भाई साहब ने एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा है, उन्हें उसी शेर के हवाले से मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा मुझे सुने मोहब्बत के साथ। बड़ा खूबसूरत शेर है, इंशाल्लाह सुनने के बाद आपका दिल मचेगा इंशाल्लाह। समाप्त करें। ऐ सितारों कहो क्या नबी ने मेरे रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया। खो गई याद मौला में बिनते नबी, खो गई याद मौला में बिनते नबी, देखते देखते नींद भी आ गई। खो गई याद मौला में बिनते नबी, देखते देखते नींद भी आ गई। खो गई याद मौला में बिनते नबी, खो गई याद मौला में बिनते नबी, देखते देखते नींद भी आ गई, देखते देखते नींद भी आ गई। हुक्म रब का हुआ, हुक्म रब का हुआ, आके जिब्रील ने, हुक्म रब का हुआ आके जिब्रील ने, उनकी चक्की चलाना शुरू कर दिया। हुक्म रब का हुआ आके चक्की चलाना शुरू कर दिया, उनकी चक्की चलाना शुरू कर दिया। हुक्म रब का हुआ आके जिब्रील ने, उनकी चक्की चलाना शुरू कर दिया। एक शेर आपके हवाले कर देता हूँ, मोहब्बत के साथ समाप्त कर ले। एक शेर सुनिए, उसके बाद आखिरी शेर रहेगा। ये शेर में तमाम नौजवानों के हवाले से, भाई साहब बैठे हुए आप ये ख्याल लें,
शहीद साहब एक पेड़ है और जितने मधुपुर के फैसले सब शाख है, उन शाखों में भी एक शाख है, याद रखें आप। गुरु रामकुमार जी के हम सबके गुरु हैं, उस्ताद हैं, इनको देखकर इनसे सीखकर हम लोग हिंदुस्तान का सफर करते हैं, ये अल्लाह का करम है। और कसम खुदा की फैजी साहब को फखर मधुपुर का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ गए जावला साहब, ये ख्याल रखिएगा। हाँ, बड़ा प्रोग्राम हुआ है, फखर मधुपुर का अवार्ड फैजी साहब को मिलना चाहिए, याद रखें, क्योंकि वाकई फखर मधुपुर है, फखर हिंदुस्तान है, और फखर मधुपुर का अवार्ड को जरूर मिलना चाहिए फैजी साहब, याद रखें आप। एक शेर सुनाता हूँ, जितने हैं नौजवान बैठे हुए हैं, मुझे पता है अगर मैं चाहूँ तो दो मिनट में आपको खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं करूँगा नहीं आज, है ना। अकरम बाबू ने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है, अल्लाह इस जैसे को कबूल फरमाए, है ना। तो हम क्या है कि जबरदस्ती के पढ़ने के आदि नहीं है, है ना, कि जबरदस्ती आपको बुलवाए और आपको खड़ा कर दे, वो दो मिनट का काम है, लेकिन शेर सुन लीजिए आप। एक शेर में पढ़ के जा रहा हूँ, सुनिएगा कितना बड़ा शेर है। तमाम पर चाहे गुरी गांव के हो, चाहे बलिया के हो, चाहे कानों के हो, चाहे मारनी के हो, चाहे भलवाई के हो, कई के तमाम नौजवानों के हवाले से एक शेर नदी फैसी पहुंचा रहा है, समाप्त करें। ऐसे तारों का हो क्या नबी ने मेरे रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया, रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया, खिल उठी यक बयक मेरे दिल की कली, हज मकबूल की मुझको नेकी मिली, हज मकबूल की मुझको नेकी मिली, खिल उठी यक बायक मेरे दिल की कली, खिल उठी यक बायक मेरे दिल की कली, हज मकबूल की मुझको नेकी मिली, खिल उठी यक बायक मेरे दिल की कली, हज मकबूल की मुझको नेकी मिली, हज मकबूल की मुझको नेकी मिली। मैंने जब अपनी अम्मी के रुख सार को, मैंने जब अपनी अम्मी के रुख सार को देख कर मुस्कुराना शुरू कर दिया, मैंने जब अपनी अम्मी नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत नबी रज़ा फैज़ी मधुपुरी। अपनी अम्मी के रुख सार को देख कर मुस्कुराना शुरू कर दिया, देख कर मुस्कुराना शुरू कर दिया, ऐसे तारों कहो क्या नबी ने मेरे रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया, रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया, रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया। आखिरी शेर और इतने शोरा इकराम बैठे हैं, इतने नाम पढ़ने वाले अब्दुल मुबारक साहब, अकरम साहब, हमारे अकरम भाई साहब, अकरम फैजी, अकरम साहब मधुपुरी, हमारे गुलाम हुसैन साहब, हुसैन यावर साहब, साहिब साहब, मुनाजिर साहब, जितने साहब गुलाम जितने हैं, तमाम शराय कराम के हवाले से साहब का भाई साहब बैठे हुए हैं, ये शेर सुनाता हूँ, फिर जरूर सुनिए शेर। ऐसे तारों का हो क्या नबी ने मेरे रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया, नात की मेरे घर एक महफिल सजी, नात मैंने
पड़ी दाद बच्चों ने दी नात में ने पढ़ी दाद बच्चों ने दी नात की मेरे घर एक महफिल सजी नात की मेरे घर एक महफिल सजी नात मैंने पढ़ी दाद बच्चों ने दी नात मैंने पढ़ी दाद बच्चों ने दी फिर हुआ यूं फरिश्तों की बारात ने फिर हुआ यूं फरिश्तों की बारात ने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया फिर हुआ यूं फरिश्तों की बारात ने फिर हुआ यूं फरिश्तों की बारात ने फिर हुआ यूं फरिश्तों की बारात ने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया आना जाना शुरू कर दिया आना जाना शुरू कर दिया ऐ सितारों कहो ऐ सितारों कहो ऐ सितारों कहो क्या नबी ने मेरे रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया क्या हुआ शम्स को आए क्यों चांद ने अपना चेहरा छुपाना शुरू कर दिया अकरम भाई की फरमाइश है तो एक मंगला एक के हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे बाग जन्नत का नक्शा चूम लेंगे ले के तकदीर जाए गितैबा अगर ले के तकदीर जाए गितैबा अगर उनका नूरानी रोजा चूम लेंगे 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 और कहते सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह ये मोहब्बत से है और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह उनका नूरानी रोजा चूम लेंगे मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा गोद में लेके उन्हें दी हलीमा ने कहा 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 मरहबा सल्ले अला हाय महबूबे खुदा गोद में लेके उन्हें दी हलीमा ने कहा गोद में लेके उन्हें दी हलीमा ने कहा क्या के इस तरह इनको झूला झुलाऊंगी मैं इस तरह इनको झूला झुलाऊंगी मैं इस तरह इनको झूला झुलाऊंगी मैं आके जिब्रील झोला
चुम लेंगे आके जिब्रील झोला चुम लेंगे आके जिब्रील झोला चुम लेंगे आके जिब्रील झोला चुम लेंगे हमसे मत पूछो क्या क्या चुम लेंगे हमसे मत पूछो क्या क्या चुम लेंगे बागे जन्नत का नक्शा चुम लेंगे लेके तकदीर जाए तैबा अगर उनका नूरानी रोजा चुम लेंगे उनका नूरानी रोजा